मार्च को ग्राम पंचायत बझेड़ व कुटेहला के बीडीसी सदस्य रंगी राम पर हुए हमले के आरोपियों को स्वारघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रंगी राम पर हुए हमले में 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। इन हमलावरों में 3 लोग हरियाणा के अंबाला, 1 बद्दी तो 2 लोग स्थानीय पाए गए हैं। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अंबाला में पकड़े गए आरोपी ने कबूला है कि पकड़े गए व्यक्तियों के इशारे पर ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इन सभी लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मार्च महीने में रंगी राम जो यहाँ के स्थानीय बीडीसी मेंबर है, उन्होंने एक अभियोग दर्ज कराया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 3 आदमियों ने इन्हें रास्ते में रोका था, रोक के इनको धमकाया। तो उस आधार पर प्रथम सूचना दर्ज होने के बाद इसमें जाँच अमल में लाई जा रही थी। दौराने जाँच जो 4 आरोपी हम अरेस्ट किए, उनसे भी ये पता चला कि उन्हें यहीं के स्थानीय एक आदमी का उसमें रोल था, जिन्हें कहा था कि भी इसको सिर्फ ये जा रहे हवा में उड़ रहा है तो इसको तो नीचे उतारना है, तो भी इसको धमकाया जाए। तो इस इरादे से कोई चोरी या डकैती करने से उनका कोई भी हाल कि सर कितने आरोपी? 2 लोग स्थानीय हैं, 4 बाहर। देखिए ऐसा है कि जो 17 मार्च को मेरे साथ रात को घटना हुई थी, उन आरोपियों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि जो जोगिंदर सिंह गांव पंगा का रहने वाला है, उसने उनको गुमराह किया और उनको उकसाया और उसका बेटा गोलू उसने उस दिन काफ़ी टाइम जो है उनसे बात की और इस घटना को जो 8 बजे उन्होंने अंजाम दिया, तो उसका पूरा टाइम मेरी गाड़ी का जोगिंदर सिंह पंगा ने उनको उस टाइम कॉल की कि रंगीराम की जो गाड़ी है वो आ रही है, और उसी टाइम उन लोगों ने मेरी ही गाड़ी को टारगेट किया। और जो पुलिस ने ये शनाख्ती की है, मैं इसके लिए पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा क्राइम करते हैं या हमारे समाज को दूषित करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नैना देवी जी से आपका फैसला के लिए सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।